तो भाई ऐसे रहना। हम बच्चों ने खाना है मेरा नाम राजेश डोगरा है। मैं राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल का डायरेक्टर हूँ। वाराणसी में जितने भी आप ये देख रहे हैं पीछे, ये सारे मेरे स्कूल से ही ट्रेनिंग पाए हुए हैं। और हम लोग 20 सदस्यीय दल श्रीनगर से लाल चौक से शुरू किया है। हमने अपनी अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, ये हमारी यात्रा 13 राज्यों से होते हुए श्री कश्मीर कन्याकुमारी के में खत्म होगी 25 दिसंबर को। इसका नेतृत्व सोनी चौरसिया जो विश्व रिकॉर्डधारी हैं वो कर रही हैं। आगे का जो अनुभव है, क्योंकि ये रोड पे चला रही हैं, मैं पायलटिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को आपको सोनी चौरसिया बताएंगे। मैं सोनी चौरसिया, ये हमारी पूरी टीम है जो कि राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल की हम सारी छात्रा है और मूलतः हम सारे बनारस के हैं। हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा, मतलब 2.5 इंच के पहिए पे साहसिक और रोमांचकारी यात्रा हम कर रहे हैं, जो कि 5,000 किलोमीटर की है, 90 दिन की यात्रा, 13 राज्य, 100 शहर और 10,000 गांव से गुजरते हुए हम कश्मीर से लाल चौक से चले हैं 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस पे। और हमारा समापन होगा कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पे, जिसमें कि पूरा 3 महीना लगेगा। और अभी तक का आज हमारा चौथा दिन है, चौथा पड़ाव है कि हम यहाँ पहुंचे हैं आपके शहर में। और ये रास्ता तो बहुत अच्छा था, उसके बीच में बनिहाल से रामबन, बहुत हमारे शायद 90 दिन की जर्नी का सबसे टफ पोर्शन था जो हम अभी पार कर आए हैं। और यहाँ J&K गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है जो कि हमें मिल रही है। LG सर मनोज सिन्हा जी के उनकी वजह से हमें ये सब फैसिलिटीज मिल रही है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ जो हमारा सहयोगी परिवार कह लीजिए, सहयोगी संस्थाएं कह लीजिए, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारत विकास परिषद, यूथ रूलर इंटरप्रन्योर और क्रीड़ा भारती जैसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमें ब्लेसिंग दीजिए। इतने सारे लोग, हम सब 20 लोगों की टीम है, हमारे साथ एक वैनिटी वैन चल रही है पायलटिंग के लिए, राजेश डोगरा सर, अजय चौरसिया जी और हमारे सहयोगी लोग भी हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हम अपनी ये यात्रा बिना इंजर्ड हुए सुरक्षित स्वस्थ ढंग से पूरी कर सके। वंदे मातरम। और हमारे सहयोगी लोग भी हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हम अपनी ये यात्रा बिना इंजर्ड हुए सुरक्षित स्वस्थ ढंग से पूरी कर सके। वंदे मातरम। हमारी यात्रा के लिए हमने सबसे पहले PMO ऑफिस में ही दिया था। अभी तक हमें केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का इस तरह का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है आर्थिक रूप से।
हमारी जो संस्थाएं मैंने आपको पहले बताई, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारत विकास परिषद, यूथ रूलर इंटरप्रेन्योर और क्रीड़ा भारती जैसी संस्थाएं, जो कि और हमारे जय किशन रेड्डी जी जो हमारे केंद्र के पर्यटन मंत्री जी हैं, उनसे भी हम मिलकर आए, लेकिन अभी तक वहां से भी किसी प्रकार का हमें इस तरह का सपोर्ट आर्थिक रूप से नहीं मिला है। हमारे भारत पर्यटन वाराणसी अमित गुप्ता जी हैं सर, जो कि पर्सनल लेबर पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से टूरिज्म ऑफ नॉर्थ और वाराणसी टूरिज्म हमारा सपोर्ट कर रहा है इस यात्रा में। मैसेज क्या रहेगा हमारी, जैसे कि मैसेज यही है कि हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत का अपनी यात्रा को नाम दिया है, क्योंकि हमारे भारत में इतनी विविधताएं हैं कि लोग जाने, यूथ जो जाते हैं बाहर अब्रॉड में घूमने, पहले देखो अपना देश। हमारे देश में इतनी सुंदर चीजें हैं, इतनी सुंदर सुंदर कल्चर है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो, हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल उस पे ध्यान दे। हम पर्यटन को बढ़ावा भी दे रहे हैं, लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मात्र शक्ति और शिक्षा के लिए हम काम करें। हमारे इस टीम में आप देख रहे हैं लड़कियों की संख्या ज्यादा है, हम 8 मात्र शक्तियां हैं और 4 हमारे साथ पुरुष सहयोगी जो हमारे साथ इस यात्रा को कर रहे हैं। तो और पर्यावरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि हम जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पे हम ट्री प्लांटेशन करते हो और उसको संरक्षित कैसे कर सके, ऐसे स्थानों पे हम पौधारोपण कर रहे हैं।